Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश। नोएडा पुलिस ने एलविश यादव से पूछताछ की है। कल रात करीब 5 घंटे तक एलविश से पूछताछ की है, आज भी पूछताछ होगी। प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश दिए हैं, उनका कैसे पालन किया जाए, इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कर्नाटक के मांडा के पांडुपुरा जिले के पास नहर में एक कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा बढ़कर 20,978 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,515 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी इलाके में एक कपास के गोदाम में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। तेलंगाना में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार तेलंगाना में भी ओबीसी की राजनीति गरमाई हुई है। इसराइल हमास जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनिया गुटेरेस ने कहा है कि गाजा बच्चों की कब्र कहाँ बनता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। भारतीय शेयर बाजार की चाल आज हल्की तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और सेंसेक्स निफ्टी मजबूत शुरुआत दिखाने में कामयाब रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली माया नगरी मुंबई में बुधवार को बांद्रा का प्रदूषण स्तर 200 दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी अब मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के प्रचार का मन बना लिया है। उन्होंने अपने दौरे से पहले केजरीवाल पर हमले के साथ शुरुआत भी कर दी है। मुंबई में कोर्ट ने आतिशबाजी का समय शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सीमित कर दिया है। शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को धनकर आरक्षण के लंबित मुद्दे पर एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया। मुंबई में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले मंजूरी मिलने की संभावना है। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे और अजित गुट आमने सामने हो गए हैं। अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने ओबीसी वर्ग के तहत मराठों की आरक्षण देने का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मुंबई में शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने विश्व कप 2023 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई। फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सिंगर और उनकी पत्नी के तलाक को मंजूरी दे दी है। सलमान खान की टाइगर 3 सिनेमाघरों में 12 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रमेशा तौरानी की दिवाली पार्टी बीती रात बॉलीवुड सितारों से रोशन हो उठी। इसी दौरान तमाम सेलेब्स खूब बन ठन कर पार्टी में पहुंचे थे। बिग बॉस के घर में अंकिता लोखंडे को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए देखा गया है। अंकिता जब भी सुशांत के बारे में बात करती है तो इमोशनल हो जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों एक्ट्रेस ने एक टॉवल फाइट सीन की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।